ये देखो फिलहाल हरे एक आउट होने में मिर्ची खाने की थी, चप्पन भाई हमारे जा चुके हैं। ओ भाई बहुत जोर लग रही है, टीवी जाएगा। इतना ये पकड़ना है किसका, ये टीवी जाएगा। अब मेरा घर का टीवी कौन ले आएगा? एक मिनट दिखाता थे जल्दी बढ़िया हो। वेलकम बैक टू द चैनल। अभी फिलहाल टाइम हो रहा है शाम के 6:30 बजे का और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज है इंडिया पाकिस्तान का मैच और मैं बिल्कुल रेडी हूँ क्योंकि हम लोग सारे दोस्त लोग जा रहे हैं आज बाहर और हम लोग पूरा आईपीएल का मैच एंजॉय करने वाले पार्क में। तो पूरा सामान मैंने पैक कर लिया है, अभी फिलहाल मैंने लैपटॉप डाल लिया, लैपटॉप में देखेंगे। और यहाँ पे फिलहाल मैंने अभी कुछ स्काई, ये तो फिलहाल रॉकेट्स है कुछ, और ये स्काई शॉट रखे लिए है और ये नाजी बम रख लिए क्योंकि जश्न होगा पूरा जीत का। इस वाले बैग को मैंने पूरा देखो पॉपकॉर्न से भर लिया है और इस वाले बैग में अभी पूरा मैं लैपटॉप और कैमरा पैक करूंगा। फिलहाल मैं पहले आया हूँ मिर्चियाँ लेने क्योंकि आज हम लोगों ने सोचा, क्या बोलते हो भाई, हर विकेट गिरने पे एक मिर्ची खाई जाएगी, ऐसा हम लोगों ने सोचा हुआ है और जो हमने सोचा है वो अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल मैं आया हूँ मिर्ची खरीदने। तो भाई फिलहाल मैंने मिर्ची ले ली 10 रुपए किलो। भाई तुम खाओगे आज, तुम्हें खानी पड़ेगी। सारे बंदे यहाँ पे मिल चुके हैं मैच देखने के लिए, सब वहाँ पे रेडी है एकदम, है ना भाई, मैच देखने चल रहे हैं। मैकबुक लायो ना अपना, मैकबुक कहाँ है तुम्हारा, बंटी याद मत दो, खो वो देगा बच्चा है, वो पहली बार देखा होगा। आ गई ठीक है, अब ये तुम्हारे लिए है। तो क्या करूंगा भाई? हर छक्के पे नहीं हर विकेट गिरने में मिर्ची खाई जाएगी भाई। पाकिस्तान की है इंडिया की? अबे इंडिया की गिरेंगे तब दुख होगा ना ब्रो, मिर्ची उसके लिए आंसू निकलने चाहिए तुम्हारे भी भाई। तो गाइस अभी फिलहाल हो चुकी है चोटी, हम बाहर गए, बाहर आ गई बारिश। अभी फिलहाल अपना मैच चल रहा है यहीं पे भाई, लेकिन बाहर का सीन अपना पॉसिबल ही नहीं हो पाया, पीछे अपना पूरा मैच चल रहा है, तो यहीं पे मैच देखते हैं कैसा होता है। सारे लोग विकेट जा चुके हैं भाई, हर एक विकेट जाने पे। अब मैं जब मैंने मैच शुरू करता था ऑलरेडी 2-3 विकेट जा चुकी थी, तीसरी विकेट और गिर गई। अब मैं सोच रहा हूँ एक मिर्ची हो जाए, ठीक है। मिर्ची तुम खाओगे देखो छोटी सी है, विकेट जाने पे मिर्ची खाने की हो रही है। ये देखो फिलहाल गया, 3 विकेट जा चुके हैं भाई, मिर्ची मेरे हाथ में, मिर्ची खाएंगे। विकेट गई तो क्या लगता है भाई जाएगा नहीं जाएगा? तो फिलहाल देखो अभी ओवर आगे आ चुके हैं, छक्का है सीधा भाई, देखो भाई मैच मतलब बहुत सही चल रहा है, अलग ही मजा आता है। ये देखो चरण छक्का, ऋषभ पंत गया। ला भाई, लो बंटी भाई मिर्ची खाने बनता है तुम्हारा, अब लो खा के दिखाओ मेरे को, पूरा खाओ भाई, ऐसे छुपाने की नहीं हो रही। हर एक आउट होने में मिर्ची खाने की थी, ऋषभ पंत भाई हमारे जा चुके हैं, कोहली भाई जाने वाले हैं, नहीं तो खाएगा। ओ भाई बहुत जोर लग रही है, लेकिन देखो अभी फिलहाल स्कोर हो चुका है 104/4। तो मिर्ची खाए, मुझे 10 मिनट हो चुका है और मैं ब्लॉग रेगुलर नहीं कर रहा क्योंकि मैं मैच देखने हम लोग ज्यादा बिजी है, लेकिन पिछले 10 मिनट से मेरा यही हाल है। कैच कैच, मुझे पता था हार्दिक पांड्या मारेगा भाई, लेकिन अभी फिलहाल ओवर बहुत कम बचा। तो भारत ने बना लिए फिलहाल अभी 150 रन 19.5 ओवर, जो 20 ओवर में मतलब पूरे 151 रन बन चुके हैं और ये पूरा का पूरा स्कोर बोर्ड। उसके बाद से तो मेरे से मैच भी कम देखा गया, मैंने व्लॉग भी कम बनाया इसलिए क्योंकि भाई मिर्ची लग गई मेरे को, इसलिए मैंने व्लॉग भी कम बनाया। मिर्ची खाने के बाद मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं पॉपकॉर्न खाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे खाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है। अभी फिलहाल इंडिया की इनिंग खत्म हो गई, क्या लगता है तुम्हें, जीतेगा नहीं जीतेगा? यार मुझे ऐसा लगता है ना, देखो अपनी बॉलिंग साइड अच्छी है यार भाई, हमारे यहाँ जो लोग मदनगिरी से देख रहे हैं, मदनगिरी दक्षिणपुरी एरिया में जब रात को मूंगफली बेचने आता, कैसे भाई ये बहुत एपिक था। तो गाइस अभी फिलहाल शुरू हो चुकी है, देखो इंडिया की इनिंग फिलहाल बिल्कुल 0 रन है और अभी देखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल चौका लग चुका है, दूसरी ही बॉल पे चौका खा चुके हैं भाई हमारे, शायद से सिंगल है, क्या लगता है डबल है रोका है? ये देखो हो गया भाई, टच हो गया, अभी तो मैच शुरू हुआ है और पहले ओवर में तो चौके छक्के लग रहे हैं, मुझे लग रहा है आज तो भाई सीन हो जाएगा। ओए टीवी नहीं फोड़ा कोई, चले निकलो बाहर, चले बाहर निकलो, चले जाओ, घर निकलो, घर निकलो, मेरा चल रहा है
भी पासवर्ड ले और निकल मैं खरीद लूंगा। भाई एक बात बोलूं, यहाँ पे वैसे छुट्टी हो चुके हैं, अभी हम यहाँ पे अपने ड्रामे में लगे पड़े थे, लेकिन इनके 50 हो गए भाई। भाई 14th ओवर आ चुका और अभी देखो रिजवान जो दूसरे प्लेयर है उनके भी भाई 50 हो चुके हैं। अभी क्या फिल्म है भाई, समझ नहीं आ रहा मेरे को यार। मुझे तो लग रहा है यहाँ तो मुझे फोन कराना पड़ेगा घर से, या फिर कुछ ना कुछ और सीन करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा था कि मैं हर एक विकेट गिरने पे बम जलाऊंगा, लेकिन विकेट तो गिरी नहीं और ये बम ऐसे इंतजार कर रहे, देखो अंदर नाजी बम पड़े हुए काफी सारे। अभी भाई मेरे ख्याल से अभी के हिसाब से इंडिया का जीतना भाई मुश्किल ही है, अब मुश्किल है, मुश्किल है भाई। चलो भाई अब चल ही रहे, क्योंकि देखो 17.2 ओवर हो चुके हैं और अब बस 3 रन बचे हैं, मतलब ऑलमोस्ट खत्म है भाई अब इंडिया का। फिलहाल इंडिया तो हार चुकी है मैच, कोई भी पटाखे नहीं फूटे, नहीं तो वैसे आजकल क्या होता है जब भी इंडिया मैच जीते तो पटाखे फूटने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी हम लेके आ गए हैं टीवी, तो आज टीवी तोड़ा जाएगा। ये बंटी के घर का टीवी है, इस बल्ले से बंटी के घर का टीवी फोड़ेंगे, ठीक है रखो इसको आगे लेके चल रहे। वाह बंटी भाई, तुम्हारे घर का टीवी लाऊं तोड़ने के लिए, तोड़ोगे? हेलो, मेरे घर का टीवी लाए? अबे मतलब मैं एक टीवी लेके आऊं तोड़ने के लिए, ठीक है तोड़ेंगे, ठीक है व्लॉग बनाएंगे थोड़ा सा। अबे तुम्हारा क्या सट्टा लगा था जो तुम इतना शर्मा रहे हो? पहली बार आ रही है तुम तो ऐसे बोल रहे हो, तुम्हारा हर बारी करोड़ों का सट्टा था, इस बारी पहली बार आ गए। ओ बंटी भाई सट्टे में आ जाए, ठीक है ऐसे याद रखना। जन्नत का इमरान हाशमी है, आ जाओ भाई आज मजा आएगा। सारे लौंडे आज गुस्से में बैठे हैं ना, बम लेके आओ। मैं आज मैं बम तो जला नहीं पाया जीत की खुशी में, तो आज टीवी तोड़ा। वैसे एक बार गिरा दो यहीं पे, पटक दो। एक चीज दिखाता हूं गाइस, ये चालू टीवी है, तुम्हें इस बात से आइडिया लग रहा होगा। देखो इसकी ग्रिल देखो, ये अभी निकाल के लाया हूं, जस्ट ये अभी निकाल के लाया। पटक दो एक बार, अभी मेरा दिमाग खराब हो गया। सीन ये था कि बंटी भाई के घर वाले बड़ा टीवी ले रहे थे, दिवाली का जैसे सीजन आ रहा है तो छोटा टीवी हम ले अपने दुख दुख पूरा करने के लिए, है ना। इसे पटक दो एक बार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पटक दो, पटक दो, 1 2 3 फुला नहीं यार, मजबूती है भैंस की आंख, इसके अंदर भी बहुत तगड़ी। आओ अभी और बल्ले मारूंगा, अभी तो ट्रेलर था ये। भाई अपने सारे लौंडे दुख मना रहे हैं बैठ के पार्क में, क्या हो गया? घास वास खा रहे हो क्या तुम दुख में? क्यों दिमाग खराब कर रहा है ऐसे? तुम्हारा इनका तो मुझे लग रहा सट्टा था, ठीक है गाइस सॉरी सॉरी बंटी भाई हार गए। ये टीवी टूटेगा आज, देखो ये रहा टीवी, ये रहा टीवी, ये रहा टीवी टूटेगा भी था, पकड़ना ये टीवी जाएगा, नितिन भाई पकड़ना ये है किसका, ये टीवी जाएगा। टीवी देखो तुम पहले, टीवी सही लग रहा है? अबे मेरा घर का टीवी कौन ले आया? एक मिनट दिखा तो सही। भाई ये कार्तिक लेके आया है, कार्तिक लेके आया है टीवी। ओ फक बंटी देगा भाई, तो ज्यादा हो गया, तो लेके जाने दूंगा। मैं तो सोच रहा था सही करवा के दे देता, ये तो ज्यादा हो गया भाई, तो अंदर से खुल गया भाई, इसमें बम लगाऊंगा मैं भाई। ओ भाई कांच है पूरा एकदम सही, आओ इसके अंदर। तो गाइस फाइनली अब देखो, अब हम बम लेके आए थे, बम तो अपने भाई बचे हैं, इंडिया तो मैच हार गई। इसे कैसा लग रहा है? इसी के अंदर बम लगाओ भैंस की आंख, आओ इसी के अंदर बम लगाते आओ। अबे तो बाहर निकल गया, पेपर पेपर, अबे खुल गया ये तो, बंटी बंटी भाई तो खुल गया, तुम्हें क्या लग रहा है? तेरे को मैं बोलूंगा चल। तो गाइस ठीक है देखो, दूसरा वाला बम भी लगाते दोबारे, ठीक है ये लो। अब इस बारी पिछली बार बम नहीं फूटा था, अच्छे से लो भाई टीवी उठाओ तुम। पाकिस्तान वालों ने भी नहीं सोचा होगा ऐसा, चली बढ़िया हो यार, बम भी निकला लोकल, आज मैच भी हो गया लोकल यार, ये तो फुली खराब ही सीन है यार। दूसरी साथ जिसने पैर ना मारा वो पिटा। बस भाई देखो इतना कूड़ा होगा, बंटी अपने टीवी घर ले जाओ। बंटी अपने टीवी घर ले जाते हुए इसको कहा, ओ कार्तिक पे कार्तिक पे कार्तिक पे कार्तिक पे। तो गाइस ठीक है, फिलहाल अभी हो रहा है नेक्स्ट डे, मैं आ गया हूँ अपने घर पे। और गाइस मैं आपको बता दूं, इंडिया पाकिस्तान का मैच एक मैच है, ठीक है, और उसको थोड़ा सीरियस मत लो। हाँ वो बात इमोशंस पे आ जाती है इंडियंस के, लेकिन फिर भी कोई ना, मैच है मैच ही तो हारे, सीरीज तो अपने नाम ही हो। फिलहाल इस टॉपिक से आगे बढ़ते हो गाइस, मैं आपको बता दूं मेरे पास आया है एक पार्सल, ठीक है, मतलब बुलबुल जो आप लोगों को पता होगा, जो मेरी वीडियोस पे आप लोग इंटीग्रेशन वगैरह देखते हो, तो वो पूरी कंपनीज है जो मेरे को कुछ मैनेज करती है, तो उन्होंने कुछ गिफ्ट हैम्पर भिजवाए हैं दिवाली के लिए। पूरा का पूरा गिफ्ट हैम्पर मुझे रिलीज हुआ है, काफ़ी कुछ है इसके अंदर, और ये अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आया तो मैंने ओपन करके देखा, और मेरा लैपटॉप यहाँ पे पड़ा है, मैं इसी वाले व्लॉग के एडिट कर रहा था। और मतलब तुम लोग देखो मैं अपना घर कैसे फैला के रखता हूँ, मतलब दिवाली आ रही है, किस किस के घर पे सफाइयाँ हो रही है, लेकिन मेरे घर की सफाइयाँ तो ऑलरेडी हो चुकी है, और मतलब काफ़ी हद तक अपना घर साफ साफ सा लग ही रहा होगा तुम लोगों को। बाकी गाइस ये वाला व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अभी जा रहा हूँ बाहर, क्योंकि मैंने ली है एक नई साइकिल, तो मैं जा रहा हूँ आज उसको पूरा ओपन करके दिखाऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, पूरा उसको चलाने जा रहा हूँ।
और अभी फिलहाल शाम को 6:30 करीब का टाइम हो रहा है, तो रात के टाइम चलाएंगे, ठंड में एक अलग ही मजा होगा। बाकी वाली वीडियो गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख ली तो जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, फटाफट से 50K करवा दो, क्योंकि 50K होते के साथ ही बहुत लोगों को जवाब देना बढ़िया सा, ठीक है। बाकी जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, पीस आउट, लव यू। और हाँ, इमोशंस की बात है, ज्यादा सीरियस मत हो जाएगा, ठीक है। तो किस किस के पास पटाखे पड़े हैं दिवाली के लिए? देखो, जैसे मेरे पास नाथ जी के पूरे 5 डब्बे पड़े हैं।